नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। ये हमारा पूसा तेजस HI 8759 का खेत है। इस साल हमने यह बीज लगाया है और एक बीज और लगाया है कुदरत 9, जो हमारे दूसरे खेत में लगा है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से नहीं दिख पाएगा, इस पेड़ के पास है दूसरा खेत। तो इस बीज की हम बात कर लें तो इसके देख सकते हैं आप बाली, ये इसकी बालियां हैं। इसकी बाली थोड़ी छोटी होती है, लेकिन मतलब इसमें दानों की संख्या भरपूर होती है। लगभग 8-10 दाने, 8 से लेके 10, 11, 12 दाने तक, मतलब एक एक साइड की सीढ़ियाँ सी जो बनी रहती हैं। इसे आप काउंट करें तो देख सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। तो ये लगभग मतलब 60 से लेके 70 दाने तक इसकी एक बाली में आ जाते हैं। और ये बौने कद का बीज होता है। ये थोड़े छरके हमारे यहाँ पे ऐसे बन गए थे, उसी समय पे टिड्डियों का आतंक बहुत ज़्यादा था, तो वो खा गई थी यहाँ के पौधे। इससे ये थोड़े यहाँ पे गैप बन गया है, लेकिन अंदर देखें तो आप, अंदर बहुत बढ़िया है। अंदर आपको कहीं पे भी कोई मतलब गैप नहीं देखेगा, और पूरा एक समान खेत रहता है इसका। और इसमें अन्य बीज की मात्रा बहुत ना के बराबर होती है। लगभग ये आपको बाली दिख रही होंगी, ये माइनर सी होती हैं, और सारा खेत एक समान होता है। और इसके पौधे की बात कर लें तो हम इसके एक बीज में बहुत सारे कल्ले निकलते हैं। मतलब इसका एक बीज ही अच्छा मजबूत होता है एक पौधा, और छोटे कद का होने के कारण ये गिरता नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे ये कितने ज़्यादा इसने घसाव बना दिया है। इसकी हाइट लगभग 2 से 2.5 फुट तक जाती है, जिससे यहाँ मैं हमारे यहाँ पे इस बीज को लोग बौने कद का बीज ही बोलते हैं। मेरे यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि ये बीज है जो इसका दाना बहुत ही कड़क होता है, जिससे जब अपन गेहूं की पिसाई करवाने जाते हैं तो ये चक्की से लड़ता है बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है। और इसका दाना बहुत ही मोटा और पुष्ट होता है, इसे आप देखकर ही पहचान जाएंगे। अगर आपके सामने ये पूसा तेजस और कोई अन्य बीज रखा जाए तो आप उनमें देख के पहचान जाएंगे कि ये पूसा तेजस का दाना है और ये किसी अन्य बीज का दाना है। इसका दाना बहुत ही पुष्ट होता है, देख सकते हैं। इसकी एक वीडियो हम आगे आपको और देंगे, जिसमें इसकी हम उपज बताएंगे कि कितनी उपज हमको मिली है इसकी। वो लाइव वीडियो होगा, जब इसकी हार्वेस्टिंग हुई थी हम लाइव वीडियो बना लेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने क्विंटल इसकी उपज आई है। वैसे अब ये नया बीज है तो इसकी उपज ये 2017 में आया था, और इसकी उपज 25 से लेकर 30 क्विंटल तक का मिल जाती है किसान को, और कहीं कहीं के किसान तो इसे 30 क्विंटल से ऊपर ही उत्पादन ले रहे हैं इस बीज का। हमारे यहाँ देखते हैं इसका उत्पादन कितना होता है, और इसके खाद बीज की जानकारी के लिए मैं आगे वीडियो आपको दे दूंगा, जिसमें हमने कितना खाद बीज दर डाला और कितने पानी लगाए। तो और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।